हाय फ्रेंड्स एंड आई वेलकम यू ऑल एट माय 3ds मैक्स लेक्चर सीरीज़ एंड इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट 3ds मैक्स एंड वीरे प्लगइन सॉफ्टवेयर. सो आई एम रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द फुल वीडियो टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर. सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट टूडेज लेक्चर. सो फ्रेंड, हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि क्रिएशन में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में क्या क्या हम लोग ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं. हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अभी तक के सभी सभी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के भी जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोग वो पूरे के पूरे ड्रॉ कर चुके हैं. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में बुलियन एंड प्रो बुलियन कैसे किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कट करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को पार्शियली कट करके दिखाते हैं या फिर मर्ज करके दिखाते हैं. ठीक है, ओके. सो आज हमारा आज का कॉन्सेप्ट ही वही रहेगा, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में बुलियन एंड प्रो बुलियन हमको आज सीखना है. ओके, सो फ्रेंड्स, बुलियन और प्रो बुलियन ऑपरेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है. ओके, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे मर्ज होके या फिर ऐसे कंपाउंड होके ही उसमें हम लोग बुलियन या प्रोबुलियन लगा सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना काम अभी परस्पेक्टिव व्यू में करेंगे. सो परस्पेक्टिव व्यू में जाने के लिए या परस्पेक्टिव व्यू मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग अल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे. यहाँ पे जाके अल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो परस्पेक्टिव व्यू हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा. अभी हम यहाँ पे क्रिएशन क्रिएशन मेथड क्रिएशन में जाके ज्योमेट्रीज में जाके हम लोग पहले स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स लेंगे. स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में हम लोग अभी बॉक्स एक पहले बॉक्स बनाएंगे. बॉक्स बनाने के लिए आपको पता ही है कि एक ग्रिड पे एक क्लिक करके ऊपर में ऐसे हम लोग माउस को ड्रैग करके बॉक्स बना सकते हैं. और यहाँ पे मुझे कुछ बॉक्स के डायमेंशन अगर कस्टमाइज करना है तो ये पैरामीटर्स में से हम लोग उसके डायमेंशन या पैरामीटर्स कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे मुझे चाहिए ये बॉक्स की 50x50x50 का बॉक्स हो, ऐसे मुझे चाहिए तो मैं लेंथ उसका 50 डालूंगा, विड्थ उसका 50 डालूंगा और उसकी हाइट भी 50 डालूंगा. तो ये परफेक्टली स्क्वायर बॉक्स बन गया. ओके, और सेकंड सेकंड ऑब्जेक्ट में एक लाइक स्पीयर ले लेता हूँ. स्पीयर, अब मुझे ये स्पीयर का भी डायमेंशंस ठीक से करना होगा क्योंकि ये स्पीयर इसके अंदर एक कंपाउंड जैसे बन जाएगा. ओके, तो मुझे इसके लिए इसका भी डायमेंशन पैरामीटर सेट करना होगा. तो मैं इसका रेडियस लेता हूँ 30, इसका रेडियस 30 लेता हूँ. अभी मुझे ये चाहिए कि ये स्पीयर ये बॉक्स के अंदर मर्ज हो जाए या फिर इसके अंदर कंपाउंड हो जाए. तो ये दोनों को फिर दो अलग अलग एंटिटी को एक ही साथ में कंपाउंड करने के लिए मुझे पहले टॉप व्यू में जाना पड़ेगा. सो मैं टॉप व्यू में जाने के लिए अल्ट प्लस डब्ल्यू करूंगा तो मैं अपने व्यू पोर्ट में आ जाऊंगा. व्यू पोर्ट में से मुझे टॉप व्यू में जाना है तो मैं अल्ट प्लस डब्ल्यू करके ये टॉप व्यू में जाऊंगा. ओके, अभी ये स्पीयर जो है ये स्पीयर को मुझे ये बॉक्स के यहाँ पे सेंटर में लेके जाके पुट करना है. सो मैं मेरा मूव गिज्मो लूंगा. मूव गिज्मो लेते ही मुझे ये बॉक्स को ये स्पीयर को ये बॉक्स में मुझे मूव कराना है. तो मैं ऐसे इस टाइप से मूव करा सकता हूँ. ठीक है, ओके. हाँ, और जूम इन एंड जूम आउट के लिए मैं जो मेरा माउस का मिडल माउस कर्सल है उसे फॉरवर्ड करूँ तो जूम इन होगा और बैकवर्ड करूँ या फिर बैकवर्ड करूँ तो ये जूम आउट होगा. इस तरह से मैं इसे मैं अपना सेंटर पोजीशन पे मैं इस बॉक्स के सेंटर पोजीशन पे मैं स्पीयर को लेके आया हूँ. अगर मुझे इसका हाइट वाइज देखना है कि ये हाइट वाइज आया है नहीं है तो मुझे फ्रंट साइड में जाके देखना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए, मैं फ्रंट साइड में गया व्यू पोर्ट फ्रंट साइड में और यहाँ पे जाके मुझे इसका थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्टली इसके सेंटर में लाना पड़ेगा. ओके, इन दिस वे मैंने अभी ये जो स्पीयर है इसको बॉक्स के बराबर ही लाके रख दिया है. ओके, तो ये अभी आपको दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे कंपाउंड जैसे बन गया है. ओके, सो मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ. ठीक है, और अभी मुझे क्या करना है, ये जो बॉक्स है बॉक्स में से मुझे ये जो स्पीयर है इसके मटेरियल को सब सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरा जो है
कंपाउंड जो हम लोग अभी आज देखने वाले हैं, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगा। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में मैं जैसे ही जाता हूँ तो मेरे पास एक ऑपरेशन है बुलियन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बुलियन ऑपरेशन में जाऊंगा। बुलियन ऑपरेशन में जाते ही मेरे पास उसने पहले बॉक्स को सिलेक्ट किया है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन बॉक्स था। ओके, जैसे मैंने बॉक्स को सिलेक्शन किया है तो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अगर मैं ये विंडो को थोड़ा लेफ्ट साइड में पुल करूँ तो यहाँ पे मुझे और कुछ उसके पैरामीटर्स, ऑपरेंट पैरामीटर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना होगा, मेरा तो बॉक्स अभी ऑपरेंट है। अगर मुझे और एक ये जो स्पीयर के लिए ऑपरेंट ऐड करना होगा तो मैं ऑपरेंट ऐड करूँगा। ऑपरेंट में जैसे ही ऐड करता हूँ तो यहाँ पे एक तो मेरे पास ऑपरेंट पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो मैं इन दोनों को यूनियन कर सकता हूँ, मीन्स ये दोनों का ऑब्जेक्ट को एक ही कर सकता हूँ, एक यूनाइटेड कर सकता हूँ। ओके, या फिर मर्ज कर सकता हूँ जो सेम ऑपरेशन है, और इंटरसेक्ट कर सकता हूँ ये ऑब्जेक्ट्स को, या फिर अटैच कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, अभी मुझे ये चाहिए कि ये बॉक्स में से ये जो स्पीयर है वो सब्सट्रैक्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन लूँगा यहाँ से, और मैं डायरेक्टली ये स्पीयर पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं इस स्पीयर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा स्क्वायर था या फिर बॉक्स था, बॉक्स में से स्पीयर अभी सब्सट्रैक्ट हो चुका है, और उसका पूरा जो कुछ भी मटेरियल बॉक्स ने लिया था वो सब हॉलो हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन दिस वे हम लोग बुलियन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी चीज़ में से कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए या फिर सब्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट। अभी मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ फॉर अनडू दिस ऑपरेशन। अगर मुझे कंट्रोल जेड, फिर से कंट्रोल जेड लेता हूँ। ओके, अभी अगर मुझे चाहिए कि ये स्पीयर में से बाहर का जो कुछ भी बॉक्स है वो इरेज हो जाए या फिर वो सब्सट्रैक्ट हो जाए, तो मैं फर्स्ट सिलेक्शन मेरे स्पीयर को दूंगा, और स्पीयर को फर्स्ट सिलेक्शन देने के बाद मैं यहाँ पे बुलियन में जाऊँगा। बुलियन में जाने के बाद मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट, ये ऐड ऑपरेंड्स करूँगा। ऐड ऑपरेंड्स करके ये मैं बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑपरेशन मेरा, ऑपरेंड पैरामीटर मेरा यूनियन था, तो यहाँ पे ये यूनियन हो गया है, ठीक है। ओके, अगर मुझे पहले तो ये सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट पे जाना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे ऑपरेंड, ऐड ऑपरेंड सिलेक्ट करूँगा, और ऐड ऑपरेंड जैसे सिलेक्ट करता हूँ मैं तो ये बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। ओके, नहीं हुआ, वेट सेकेंड, फर्स्ट मुझे बुलियन ये स्पीयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बुलियन ऑपरेशन जाना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट सिलेक्ट करना है, ऑपरेंड्स को ऐड करना है, और मैं अभी ये बॉक्स को ऐड करूँगा। जैसे ही मैं बॉक्स को ऐड करता हूँ तो बॉक्स का जो कोई भी हिस्सा होगा वो सब यहाँ से इरेज हो चुका है या सब्सट्रैक्ट हो चुका है। इन दिस वे वी कैन सब्सट्रैक्ट दी आउटर बॉक्स फ्रॉम दी स्पीयर। ओके, स्पीयर से अभी मैंने आउटर बॉक्स को सब्सट्रैक्ट कर दिया, राइट। मैं कंट्रोल जेड करके फिर से वापस जाता हूँ कि मुझे और दूसरे तरह क्या क्या यूज़ करना आएगा, या फिर क्या क्या हम लोग और कौन से कमांड बुलियन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट मुझे सिलेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आउटर बॉक्स को सिलेक्शन दिया है, बुलियन में जाऊँगा और यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट करके एक ऑप्शन है, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे एड ऑपरेंड्स करूंगा, और मैं ये स्पीयर को ये करता हूँ। तो जैसे ही मैं स्पीयर को करता हूँ तो बाहर का जो कुछ भी बॉक्स था वो कट गया है, और वो बॉक्स के साथ साथ ये जो मेरा स्पीयर था, स्पीयर का जो कुछ भी और एक्स्ट्रा पार्ट था वो बॉक्स के साथ में वो सब कट हो चुका है। ये एक प्रकार का डाइस जैसे कुछ तो ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, इन दिस वे वी कैन इंसर्ट, इंटरसेक्ट दी इनर ऑब्जेक्ट बाय फ्रॉम दी आउटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन दिस वे हम लोग ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में मुझे और एक उसमें के बाकी के बचे हुए जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोग वो देखेंगे, अभी क्या क्या कमांड बाकी है वो देखेंगे। ओके, सो मुझे फिर से एक पहले मैं इसको सिलेक्शन देता हूँ आउटर बॉक्स को, बुलियन में जाऊँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है मर्ज, ठीक है, मर्ज में जाऊंगा, यहाँ पे ऐड ऑपरेंड्स करूंगा और मैं इस स्पीयर को सिलेक्ट करूंगा। तो ये दोनों मर्ज हो गए, अभी आउटर बॉक्स एंड स्पीयर दोनों दोनों के दोनों मर्ज हो चुके हैं इन दिस वे। ओके, और एक ऑपरेशन रह जाता है यहाँ पे।
आउटर बॉक्स सिलेक्शन, बुलियन, देन इंसर्ट, इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे ऐड ऑपरेंड्स करूँगा, और ये मैं इसमें से स्पीयर को अभी हटा देता हूँ। तो ये दोनों के दोनों इंसर्ट एक दूसरे में इंसर्ट हो गए। ओके, तो हम लोग अभी इसको मूव नहीं कर सकते, देखिए आप यहाँ से मूव नहीं कर सकते, दोनों के दोनों एक साथ में मर्ज और इंसर्ट हो गए। ओके, इसको फिर से कंट्रोल करता हूँ। अभी मुझे आउटर सिलेक्शन देना है, बुलियन में जाऊंगा और यहाँ पे एक होता है कुकीज़, ठीक है, कुकीज़ को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ और ऐड ऑपरेंड्स करता हूँ और ये इस स्पीयर को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे प्रीवियसली कैसे था कि जो स्पीयर था ओनली उतना ही मटेरियल जितना स्पीयर ने मटेरियल क्या ऑक्यूपाई किया था उतना ही वो सब्सट्रैक्ट हुआ था। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि स्पीयर ने जितना उसका मटेरियल ऑक्यूपाई किया था वो, और उसके अलावा इसने पूरा का पूरा जो कुछ भी बॉक्स का जो मटेरियल है वो इंदर अंदर से इसने पूरा हॉलो कर दिया है, राइट। तो इसे हम लोग कुकी जो अपना कमांड है वो इस तरह से वर्क करता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। फिर इसी टाइप में हमारा और एक कमांड है प्रो बुलियन, वो हम अभी वो देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक। देन फर्स्ट मुझे कोई तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लाइक मैं एक कोई तो एक वॉल बनाऊंगा, ये लाइक इट्स ये कुछ ऐसे वॉल जैसे सरफेस बनाया है मैंने, ठीक है। इसके मैं पैरामीटर्स एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, एक ऐसे वॉल बन गया है। और मुझे यहाँ पे कुछ एक डोर एंड विंडो बनाना है, राइट। डोर एंड विंडो के लिए मैं कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर डोर, सेकेंड ऑब्जेक्ट फॉर विंडो। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट्स को मुझे मूव कराना है, तो मैं मूव गिज़मो लूँगा और यहाँ पे टॉप पोर्शन में जाके टॉप व्यू में जाके इस विंडो को मैं इस वॉल में प्लेस कर लूँ। ठीक है, अभी ये डोर शेप कुछ ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, अभी मुझे इसको भी यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, अभी ये दोनों के दोनों प्लेस अच्छे से हुए नहीं है, तो मुझे यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाके इन दोनों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहे हैं, सो लेफ्ट व्यू में देखते हैं। ओके, सो लेफ्ट व्यू में मैं जैसे जाता हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक विंडो को सेट करना है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सेट हो गए, ठीक है। ओके, ठीक, सो अभी मुझे क्या करना है कि ये डोर और विंडो को यहाँ से इस वॉल से सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं जाऊँगा कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद में मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉल का सिलेक्शन देना पड़ेगा। वॉल का सिलेक्शन देने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रो बुलियन, ठीक है। प्रो बुलियन में जाके मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके एक ऑप्शन है, वो सब्सट्रैक्ट इसको पैरामीटर्स में सब्सट्रैक्ट को ऑन रखूँगा और यहाँ पे पिक बुलियन में ये मूव को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं स्टार्ट पिकिंग कर सकता हूँ। मुझे जो ऑब्जेक्ट अभी वहाँ से माइनस करना है तो या सब्सट्रैक्ट करना है उसके लिए मैं स्टार्ट पिकिंग करूँगा। तो मैं जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो वहाँ से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और मैं कंट्रोल करके दूसरा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ फॉर सब्सट्रैक्शन। तो मैं यहाँ से सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये भी ऑब्जेक्ट ऐसे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लोग एट ए टाइम दो या तीन या मल्टीपल कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग ऐसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रो बुलियन में चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, रेफरेंस, कॉपी, मूव एंड इंस्टेंस। अगर मैं
कंट्रोल जेड करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रोब बुलियन में जाके इंस्टेंस में लेता हूँ, इंस्टेंस में लेने के बाद मैं यहाँ पे मैं पैरामीटर्स में मैं सब्सट्रैक्शन ही रखूँगा, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो स्टार्ट पिकिंग करूँगा, फिर से मैं इसको पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट वहीं पे है लेकिन वो वॉल में से वो सब्सट्रैक्ट हो चुका है। ओके, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ या डिलीट नहीं हुआ, जो डोर एंड विंडो का था वो वहाँ पे ही है जहाँ पे था, और अभी ये वॉल में से वो ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको मूव करा के ये ऑब्जेक्ट को दिखा दूँ, वॉल को मैंने जैसे ही मूव किया तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कटिंग तो अचीव हो गया है, लेकिन जो मेरे ऑब्जेक्ट थे, जो डोर का मटेरियल और विंडो का मटेरियल था, वो जैसे के वैसे ही है। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसके पैरामीटर्स एडजस्ट करता हूँ, समझो ये डोर के पैरामीटर्स मुझे एडजस्ट करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा मॉडिफाई कमांड में, मॉडिफाई कमांड में जाने के बाद मैं इसके पैरामीटर्स एडजस्ट करने का ट्राई करता हूँ। ओके, जैसे मैं इसका लेंथ बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, तो वो जो वॉल था उसमें भी वो उसके पैरामीटर्स को चेंज होते हुए आप देख पा रहे होंगे। इस इंस्टेंस से वही ये होता है कि हम लोग इसके पैरामीटर्स को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो कटिंग होने के बाद में भी आप इसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंस्टेंस। ओके, तो इसका वेट डेप्थ कुछ भी हम लोग इसको कंसिडर बढ़ा घटा सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इन दिस वे इंस्टेंस का फायदा बुलियन में ऐसे होता है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ोगे और उसके पैरामीटर्स एडजस्ट करने का ट्राई करोगे तो वो हो जाएगा, राइट। ठीक है, सो दिस इज द बुलियन एंड प्रोब बुलियन ऑपरेशंस फ्रॉम दिस 3 days मैक्स लेक्चर सीरीज, ठीक है। सो आज का लेक्चर ये बुलियन एंड प्रोब बुलियन पे था जो अभी खत्म हो चुका है।